सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो पर मैं पोगेमसी स्काईब्लॉक को खेलने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और ये 1000 सब्सक्राइबर्स आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाते, तो आप सबको एक बड़ा वाला थैंक यू। और यहाँ पर फिलहाल के लिए तो इस वाली वीडियो पर मैं आपको पोगेमसी की इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कमांड्स के बारे में बताऊंगा, मतलब पोगेमसी में कौन से कमांड्स होते हैं, और साथ में लोकेशंस के बारे में बताऊंगा, जैसे पार्क कहाँ पर है और माइन कहाँ पर है या फिर फार्म, जो भी चीज़ है उन सबकी लोकेशन आपको बता दूंगा। और जो डार्क ऑक्शन है उसके बारे में बहुत प्लेयर्स मुझसे पूछते हैं गेम में भी, और यहाँ पर कमेंट्स पर भी पूछ लेते हैं। तो डार्क ऑक्शन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें डार्क ऑक्शन को यूज़ करना ईजी नहीं है, मतलब उसका एक टाइम होता है, मतलब डार्क ऑक्शन हर समय एक्टिवेटेड नहीं होता है, वो कभी कभी आता है और उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। और यहाँ पर अभी आप लोग मेरे आइलैंड में मीनियंस देख रहे होंगे, तो ये मीनियंस वीडियो बनाने से पहले के हैं, क्योंकि इन सारे मीनियंस को मंडे तक रिमूव कर दिया है। और मीनियंस में ग्लिच हो गया था कि वो अनलिमिटेड आइटम्स दे रहे थे, जिसका मैंने भी थोड़ा बहुत यूज़ करा है और मुझको भी लगभग 20,000 कॉइन्स ही मिले, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट पता चला ग्लिच के बारे में। और यहाँ पर फिलहाल के लिए तो सारे मीनियंस को वो कर दिया रिमूव, तो वो मंडे तक वापस आ जाएंगे। और यहाँ पर मेरे मीनियंस की चेस्ट तो सारी की सारी फुल है, और इसके अंदर मेरा जोम्बी मीनियन है। और बहुत सारे प्लेयर्स पूछते हैं कि उनका मीनियंस वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपना जो मीनियंस है उसको अच्छे से लगाना पड़ता है, तभी वो मीनियंस वर्क करेंगे, वरना वो मीनियंस ऐसे वर्क नहीं करते हैं। और बहुत प्लेयर्स मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास 14 मिलियन स्लॉट्स कैसे हैं, तो वो मेरी रैंक की वजह से हैं, मेरे पास यूट्यूबर वाली रैंक है गेम में, इसलिए मेरे पास 14 स्लॉट्स हैं। आपको भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी गेम में रैंक बाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आपको पहला कमांड बता देता हूँ। तो पहला कमांड है आइलैंड को डिलीट करने के लिए, तो उसके लिए आपको डालना पड़ेगा स्लैश आइलैंड डिसबैंड। तो आइलैंड का शॉर्ट फॉर्म ये होता है, जैसे मैंने लिखा है, और उसके बाद डिसबैंड लगा देना है आपको। और आप लोग ये कमांड तब तक ट्राई मत करना जब तक आप लोगों को आपका आइलैंड डिलीट नहीं करना हो। तो यहाँ पर दूसरा कमांड बता देता हूँ, उसके लिए अगर आपको अपने आइलैंड में कोई भी कोपी मेंबर रखना हो जो आपके साथ खेले, तो उसके लिए आपको स्लैश आइलैंड कोपी टाइप करना है। और उसके बाद आपको प्लेयर का नाम डालना है, जो भी प्लेयर का नाम होगा वो आपको डालना है। और प्लेयर के नाम के स्टार्टिंग में जो पॉइंट लगता है ना, तो आपको वो पॉइंट भी डालना होगा, तभी ये वर्क करेगा और उससे आपका कमांड वर्क कर जाएगा। और नेक्स्ट कमांड है स्लैश आइलैंड टॉप, तो इससे आपके टॉप का आइलैंड दिख जाएगा। जैसे टॉप में फिलहाल के लिए नेटवर्थ का दिखाएंगे, लेवल दिखाएंगे, रेटिंग दिखाएंगे और प्लेयर्स का दिखाएंगे। तो नंबर वन में है किस एक प्लेयर है, उसके आइलैंड की वॉर्थ है 2,14,000 कॉइन्स, और सेकेंड वाले की है ऐसी 1,21,000, फिर धीरे धीरे कम होने में सबके आइलैंड की वॉर्थ। तो ऐसे आप लोग टॉप पर आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने आइलैंड में ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लगानी पड़ेगी। एक्सपेंसिव जैसे आपको डायमंड ब्लॉक या फिर गोल्ड ब्लॉक या कोई से भी ब्लॉक आप लगा सकते हो, जो ज़्यादा महंगे होते हैं। और यहाँ पर अलग अलग चीज़ों की रेटिंग है, जैसे लेवल के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से और आइलैंड की वॉर्थ के हिसाब से। तो यहाँ पर मेरी रैंक में एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरी रैंक कितनी है यहाँ पर। तो मेरी रैंक यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरे आइलैंड का नेम विजिट है, मैंने विजिट नेम रखा है मेरे आइलैंड का। और मेरे आइलैंड की रैंक 132 है, क्योंकि मैंने अभी मेरे आइलैंड में कुछ ब्लॉक प्लेस ही नहीं करा है, सिर्फ वुड है। और बाद में मैं अपने आइलैंड को ठीक करूँगा हर जगह, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें से डेकोरेट कर दूँगा। और यहाँ पर नंबर वन वाले का जो आइलैंड है आप उसको देख सकते हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसके आइलैंड में इसने लगा रखे हैं 478 डायमंड और एमरलेट के जो ब्लॉक होते हैं वो लगा रखे हैं, क्योंकि उन दोनों का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग भी ऐसे लगा के अपने आइलैंड को टॉप में ला सकते हो, उससे आपका आइलैंड टॉप में दिखाई देगा कि आपका आइलैंड कौन से रैंक में है। और यहाँ पर नेक्स्ट कमांड है स्लैश विजिट, अगर आपको किसी भी प्लेयर को विजिट करना होगा तो आपको स्लैश विजिट टाइप करना है, और उसके आगे उस प्लेयर का नेम टाइप करना है। और नेम डालने का मैंने आपको बता दिया, नेम के स्टार्टिंग में डॉट डाल देना है, जो पॉइंट होता है ना आपको वो डालना ज़रूरी है, क्योंकि इस सर्वर में सबके नेम के आगे एक पॉइंट है पहले से ही है। और यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर स्काई ब्लॉक जो हब है वहाँ पे चलता हूँ, और उसके बाद आपको लोकेशंस बताता हूँ मैं कौन सी लोकेशंस कहाँ पर है। और उससे पहले मुझे एक चीज़ याद है कि बहुत लोग पूछते हैं कि उनके मीनियंस वर्क नहीं करते, तो मीनियंस वर्क करने के लिए आपको अपने मीनियन के आसपास के 2 ब्लॉक्स का एरिया जो होता है वो खुला छोड़ना होगा, तभी वो मीनियन वर्क करेगा। और जो जॉम्बी मीनियन होता है या फिर कोई सा भी मॉब मीनियन होता है, उसके आसपास भी आपको 2 ब्लॉक के गैप रखनी पड़ेगी, जैसे मैंने रखी हुई है। और उसके बाद आपका मीनियन 100% वर्क करेगा। और यहाँ पर फिलहाल के लिए तो मैं चलता हूँ
हब ना, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं थोड़ी बहुत लोकेशंस बता दूंगा। और यहाँ पर जो हब का मैप है ये देख सकते हो, जैसे इस पे माइन को लेफ्ट साइड दिया है, लेकिन ये माइन रियल में राइट साइड को है, और जो पार्क है वो ऊपर को दिया है, तो पार्क पीछे साइड को है, और जो फार्म है वो पीछे को दिया है, तो वो आगे की साइड को है। मतलब सब कुछ उसकी दूसरी डायरेक्शन में, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ पर माइन से थोड़ा सा पहले आपका यहाँ पर एनचेंटर आ जाता है, मतलब लाइब्रेरियन, जो आपके सामान को एनचेंट करता है। और एक आइटम में आप सिर्फ 3 एनचेंटमेंट लगा सकते हो, तो आपको एनचेंटमेंट थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर साथ में अगर आप माइन के अंदर जाके थोड़ा सा ऊपर को जाते हो, तो फिर यहाँ पर से आपको दूसरी माइन की लोकेशन भी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर सामने आपको गोल्ड, आयरन और दूसरी माइन दिख जाएगी, लेकिन उसके लिए आपका जो माइनिंग लेवल है वो लेवल 3 होना चाहिए, वरना आप लोग यहाँ पर नहीं आ पाओगे। और मेरा माइनिंग लेवल तो फिलहाल के लिए लेवल 12 तक का है, तो मैं यहाँ पर आराम से आ सकता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से ओर से। तो यहाँ पर मुझे डायमंड ब्लॉक नहीं, डायमंड नहीं है यहाँ पर, ये आयरन और गोल्ड है, और साथ में कोल भी है, और यहाँ पर एक लेजी माइनर है, पता नहीं इसका काम क्या है। और यहाँ पर से चलो, यहाँ पर सब कुछ तो देख लिया है। और ऐसे अगर आप थोड़ा आगे जाते हो तो वहाँ पर एक लिफ्ट ऑपरेटर मिलेगा, उससे आप लोग डायमंड या फिर ऑब्सीडियन वाली जो एरिया होता है वहाँ पर जा सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जल्दी से हब में टेलीपोर्ट करता हूँ। और यहाँ पर फिलहाल के लिए अब चलते हैं फार्म में। तो फार्म का एरिया यहाँ पर से सीधा है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको पूरे एरिया में वीट दिखेगा, सिर्फ वीट होगा। और अगर आप ये सामने जो गेट है इसको क्रॉस करते हो, तो इसको क्रॉस करने के लिए आपका जो फार्मिंग लेवल है वो लेवल 3 होना चाहिए, वरना आप लोग नहीं क्रॉस कर पाओगे। और यहाँ पर आपका कैरेट और पोटैटोज हो गए, और यहाँ पर एक फेयरी सोल भी है, तो इसको तोड़ने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ये टूट नहीं रहे, तो चलो इसको छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर सामने की तरफ को ये पम्पकिंस हैं, और साथ में थोड़ी बहुत वाटरमेलन्स भी है, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी शायद यहाँ पर। और यहाँ पर फ़िलहाल के लिए और कुछ नहीं है। और यहाँ पर सामने को अगर आप और ट्रैवल करते हो तो बाढ़ में, और यहाँ पर बाढ़ में आप लोग जाओगे तो यहाँ पर आपको शुगर केन मिल जाएगी और सैंड मिल जाएंगे। और यहाँ से थोड़ा ऊपर पता नहीं क्या मिलता है, हमें कभी गया नहीं हूँ। तो यहाँ पर आपके पास मशरूम्स है, तो यहाँ पर ये मशरूम को ब्रेक करके आप लोग अपना फार्मिंग लेवल बहुत ही स्पीड में बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर मेरी जो एक्स है इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो इसकी स्पीड तेज होने की वजह से मैंने मेरा जो 4 गेजिंग का लेवल है वो भी बहुत तेज अपग्रेड कर दिया था। तो अभी मैं दोबारा से हब में चलता हूँ। और यहाँ पर नेक्स्ट लोकेशन है पार्क की, तो पार्क के लिए आपको पीछे जाना होगा, और उसके बाद यहाँ से सीधा जाके आपको लेफ्ट में जाना है, और फिर यहाँ पर आपका ओक वाला जोन आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से थोड़ा और सीधा जाते हो तो आपको दूसरे भी फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर अब चलते हैं ग्रेवयार्ड की तरफ को, और ग्रेवयार्ड का रास्ता यहाँ से सीधा है, और इससे थोड़ा सा पीछे यहाँ पर बाज़ार भी आप लोग देख सकते हो। और अगर आपकी बाज़ार अनलॉक्ड नहीं है, तो मैंने बाज़ार आपको अनलॉक करने का एक आसान तरीका बता रखा है, तो उसके लिए आपको मेरी लास्ट वाली वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। तो अगर आपने उसको वॉच नहीं करा है तो जल्दी से जाके अभी वॉच कर दो। और यहाँ पर ये जो अरीना है ये फ़िलहाल के लिए वर्क नहीं करती है, और इसका भी अपडेट आएगा धीरे धीरे। और यहाँ पर कुछ ये एडवेंचरर है, तो इससे मैं कुछ बाय कर देता हूँ, क्या पता इस पर कुछ ज़ॉम्बी, तलिस्मैन, स्केलेटन। तो विलेज अफिनिटी मुझको ठीक लग रहा है, इससे मेरी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इसको मैं तलिस्मैन बैग में डाल देता हूँ एक बार। ओके, तो इतना ठीक हो जाएगा। और अभी चलते हैं हम ग्रेवयार्ड की तरफ को, और यह है ग्रेवयार्ड का गेट। और यहाँ पर से सामने को जो आपको वो जंप वाला प्लेटफॉर्म दिख रहा है, स्लाइम ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आप जंप करके आगे स्केलेटन, वो क्या बोलते हैं उसको, स्पाइडर डेन होता है, वहाँ पर आप जा सकते हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा कॉम्बैट लेवल 4 नहीं है, क्योंकि मैं कॉम्बैट में ज़्यादा ग्राइंड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो थोड़ा लेवल कम है। और यहाँ पर बैंक में एक बार मैं आपको बैलेंस दिखा देता हूँ मेरा कितना है, और मेरे पास यहाँ पर अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास होगा। तो यहाँ पर मेरे पास 1,34,000 कॉइन्स है, और अभी 10,000 और डाल दिए तो मेरे पास 1,44,000 कॉइन्स है। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अगर आप लोगों को ट्रेड भेजनी हो या फिर कोई भी रिक्वेस्ट भेजनी हो किसी प्लेयर को, और आपको उसका आइलैंड जल्दी से विजिट करना हो, तो बिना कमांड डाले कैसे आप लोग विजिट कर सकते हो या ट्रेड भेज सकते हो? तो उसके लिए आप लोगों को, जैसे कोई भी प्लेयर आपने सेलेक्ट करा, तो उसके कैरेक्टर के ऊपर आपको थोड़ी देर तक होल्ड करना है, और उसके बाद ये जो फेदर वाला बटन है इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग उसके आइलैंड में विजिट हो जाओगे, और एमलेट वाले से ट्रेड रिक्वेस्ट सेंड होगी, और डायमंड वाले से यहाँ पर उसको कॉपी रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं उसको विजिट करने का ट्राई करता हूँ एक बार। तो यहाँ पर विजिट करा तो यहाँ पर ऊपर लिखा रहा है दिस आइलैंड हैज़ नो विजिटर लोकेशन,
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आइलैंड में आना है, और उसके बाद यहाँ पर स्लैश आइलैंड ओपन डालोगे तो आपका आइलैंड ओपन हो जाएगा। और अगर आपको क्लोज करना है, मतलब आपके आइलैंड में कोई ना आ पाए, तो आपको स्लैश आइलैंड क्लोज डालना होगा। और एक बार मैं अपना आइलैंड दोबारा से ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो आइलैंड है वो ओपन हो चुका है। और ओपन होने के बाद भी आपको लोकेशन ऐड करनी है, तो लोकेशन ऐड करने के लिए आपको अपने आइलैंड में एक साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा। और इसको लगाने के बाद आपको इसमें ये वेलकम टाइप करना है इस तरीके से, और वेलकम के साइड में आपको ब्रैकेट भी लगाना है, जैसे ब्रैकेट आप देख सकते हो ना, सेम वैसी ब्रैकेट लगाने आपको। और ये सब करने के बाद आपके आइलैंड में विजिटर आना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर देना, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।